to be a bother, but could you please move now? I really, really need to scrub this place. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, अभी मैं अबू धाबी से वापस अपने घर जमशेदपुर इंडिया जा रहा हूँ। तो अभी मेरी जो फ़्लाइट है कनेक्टिंग है अबू धाबी से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से रांची। तो इंशाल्लाह उस पर मैं व्लॉग बनाऊँगा अपनी इस जर्नी पे। तो गाइस, बने रहे मैं सर व्लॉग में, और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ होती है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, सब कुछ मैं डिटेल्स में शेयर करूंगा इस सफ़र का, तो बने रहे मेरे साथ। गाइस, अभी मैं एयरपोर्ट के बाहर हूँ। अभी मैं 10-15 मिनट हुआ मुझे यहाँ पहुँचे हुए, तो मेरी फ़्लाइट रात में है, बट बिफोर आ गया थोड़ा। तो चलो गाइस, अभी अंदर आप लोग को अबू धाबी एयरपोर्ट के अंदर का भी कुछ नज़ारा दिखा दूँ। और ये है आउटसाइड का नज़ारा अबू धाबी एयरपोर्ट का, बहुत खूबसूरत है। और अभी ये टर्मिनल नया बना है। और गाइज, आप लोग ये देख सकते हैं अबू धाबी एयरपोर्ट के अंदर का कुछ व्यूज़ है जो मैं कैप्चर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी फ़्लाइट में कुछ वक्त है तभी मैं एयरपोर्ट के अंदर के कुछ व्यूज़ को कैप्चर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, जिनकी फ़्लाइट का अलग अलग टाइम है, और मेरी फ़्लाइट के लिए भी कुछ वक्त है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ कैप्चर कर लिया जाए वीडियो। और खुशी इस चीज़ की है कि मुझे इंडिया रांची में मेरी फ़्लाइट फ़ाइनल है, मेरी लैंडिंग रांची में। तो मेरी फैमिली मुझे लेने आ रही है, मेरे पापा हैं, मेरी वाइफ है, मेरे दोनों बच्चे हैं, और मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड है क्योंकि पापा आ रहे हैं। और प्लस मैंने उनके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स परचेज़ करी है, तो उन्हें मैंने वीडियो में दिखाया था वीडियो कॉल पे, तो बच्चे बहुत खुश है कि पापा चॉकलेट्स भी लेकर आ रहे हैं। और बच्चे मुझसे मिलने के लिए भी बहुत एक्साइटेड है, और मैं भी अपने बच्चों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब दूर जाते हैं बच्चों से तो बच्चों की बहुत याद आती है। तो बच्चों से मिलूँगा, बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अभी यहाँ से सीधा हैदराबाद, अबू धाबी टू हैदराबाद। हैदराबाद में 3 घंटे 45 मिनट का होल्ड है, उसके बाद हैदराबाद टू रांची। रांची में पहुँच जाऊँगा मॉर्निंग में 10:30 में। तो फ्रेंड्स, अभी फ़्लाइट के अंदर जाऊंगा, अपनी बर्थ पे बैठूंगा सीट पे, उसके बाद थोड़ा सो जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, बहुत थका हुआ हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोग से अभी, पहले प्लेन के अंदर चलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट कर लूँ अपना, उसके बाद कुछ प्लेन के आउटसाइड से कुछ दिखाता हूँ आप लोग को, फिर रेस्ट करूँगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह हैदराबाद में। तो बने रहे गाइस मेरे साथ वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैदराबाद पहुँच चुके हैं, सुबह के 4:45 हो रहे हैं। अभी मैं अपना लगेज जो है वो कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद सुबह 8:30 बजे मेरी रांची के लिए फ़्लाइट है। अभी हैदराबाद के भी एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम मेरा आना हुआ है, इसी तरह कनेक्टिंग फ़्लाइट के चक्कर में बहुत सारे एयरपोर्ट घूम ले रहा हूँ मैं भी। तो ये पहले अपना लगेज हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, लगेज कलेक्ट करने के बाद फाइनली जो इमिग्रेशन वगैरह करा के उसको चेक करना होगा कितने बजे स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर रांची वाले जो गेट पे हम लोग को दिया जाएगा वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट किया जाएगा। तो गाइस, बने रहे वीडियो पे मेरे साथ। तो गाइस, एक अच्छी बात है कि अपने कंट्री उतर कर एक अलग सा सुकून लगता है, इंडिया आकर एक अलग सा ही सुकून लगता है। तो बहुत रिलैक्स फील हुआ, बट मगर थोड़ा सर में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी कुछ देखता हूँ मेडिसिन होगा तो मेडिसिन खाऊँगा सर दर्द के लिए, फिर बनता हूँ गाइस आप लोग सर वीडियो में। तो बने रहे मेरे वीडियो में। तो गाइस, ये है हैदराबाद एयरपोर्ट का कुछ अंदर का व्यूज़ जो मैं आप लोग साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी पहले मैं अपना लगेज कलेक्ट कर लेता हूँ, लगेज कलेक्ट करने के बाद अब भूख भी बहुत ज़ोर की लगी है और सर में भी बहुत पेन है, कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद एक पेन किलर लूँगा सर दर्द के लिए, क्योंकि अब मुझे लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है। उसके बाद फाइनली ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चलूँगा अपने बोर्डिंग करवाने के लिए, नेक्स्ट बोर्डिंग। तो गाइस, अभी मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है एक प्लेट इडली, और जिसका प्राइस है 150 रुपीज़।
सो गाइस, अभी मैं फ़्लाइट के अंदर हूँ और फ़्लाइट आप देख सकते हैं कि जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये थोड़ा डर भी लगता है फ़्लाइट में, ये बहुत हाइट पे रहते हैं हम लोग, बट खुशी है घर जाने की। बस अब रांची कुछ ही देर में हम लोग रांची पहुँचने वाले हैं। प्लेन हमारा रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में लैंडिंग करने वाला है। तो फाइनली अब हम लोग रांची पहुँच चुके हैं, अब मैं बाहर निकलूँगा यहाँ से। तो गाइस, बने रहे मेरे साथ वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूले। बस अभी अपने मैं लगेज का वेट कर रहा हूँ, लगेज जैसे ही आएगा उसके बाद फाइनली एग्जिट करना है मुझे। फाइनली फ्रेंड्स, मैं अभी रांची एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और मेरी फैमिली भी आ रही है। तो जो मेरी जर्नी थी अबू धाबी से रांची तक की, बीच पर कलेक्टिंग था हैदराबाद, तो इस पर मैंने एक व्लॉग बनाया है। उम्मीद है व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। तो गाइज, अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कमेंट्स और शेयर भी करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ होती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। इंशाल्लाह फ्रेंड्स, मुलाकात होगी आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरे दोनों बच्चे मेरे को एयरपोर्ट लेने आए हैं, आयजा और सरहान। हाय करे बेटा। हाय गाइस, अभी बस घर की तरफ निकल चले हैं। तो अभी पंचवटी में हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए। दोपहर का टाइम हो गया, भूख भी बहुत ज़ोर की लगी। पंचवटी में भी खाना खाएंगे, उसके बाद अभी सीधा घर निकलेंगे।